सरकार द्वारा हरियाणा रोडवेज की गुड़गांव डिपो से किलोमीटर स्कीम के तहत शुरू की गई बस सेवा के विरोध में आज सोनीपत डिपो पर 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ ने की। उन्होंने कहा कि किलोमीटर स्कीम के तहत बसें चलाने से सरकार के राजस्व को नुकसान होता है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। रोडवेज तालमेल कमेटी के प्रदेशव्यापी प्रोग्राम के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हरियाणा सरकार द्वारा एक बार पुनः किलोमीटर स्कीम को हमारे गुड़गांव डिपो से चलाने का प्रारंभ है। यहाँ ये गौरतलब है कि हरियाणा रोडवेज के अंदर जो किलोमीटर सरकार द्वारा स्कीम लागू करने का प्रयास किया गया था, वो सरकार की विजिलेंस अपनी ब्यूरो द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला उसमें हुआ था। यदि किलोमीटर स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती तो हरियाणा प्रदेश के राजस्व को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता। राजस्व को नुकसान पहुँचाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा सरकार विभाग के उच्च अधिकारी जो उस समय किलोमीटर स्कीम को जिन्होंने अंजाम दिया, वो चाहे हमारे निवर्तमान ACS डायरेक्टर जनरल हैं, बोलीदाता हैं, राजनीतिक रूप से कोई भी बड़ा या छोटा है, आज तक उन पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सरकार गुड़गांव डिपो में 5 किलोमीटर स्कीम की गाड़ियों को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। आज पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा प्रदेश में रोडवेज का कर्मचारी रोडवेज तालमेल कमेटी के बंदर के नीचे 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं, यदि राज्य की सरकार हमारे किसी भी डिपो में किलोमीटर स्कीम की एक भी बस को चलाने का प्रयास करेगी तो हम नहीं चाहते हमारे कारण प्रदेश की जनता को किसी असुविधा का सामना करना पड़े, सरकार हमें मजबूर ना करे, वरना हम जनता के सहयोग से, दूसरे कर्मचारी संगठनों के सहयोग से, हमारी मजबूरी होगी, हम पुनः एक बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की, वर्तमान परिवहन मंत्री की और विभाग के आला अधिकारियों की होगी। किसी भी सूरत में किलोमीटर स्कीम जनहित में, कर्मचारी हित में ये घाटे का सौदा है। सरकार इस किलोमीटर स्कीम के द्वारा पूंजीपतियों, धनाढ्य आदमियों के माध्यम से इस विभाग को तालाबंदी करना चाहती है, निगम बनाना चाहती है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।